तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं एडवांस एक्सेल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल और हम बात करेंगे आज होम मेन्यू बार की, क्योंकि हमने बताया था आपको जो हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो मेनू के हिसाब से करेंगे और फाइल मेन्यू बार में कोई खास है नहीं, सेव सेव वगैरह है, तो हम डिस्कस करेंगे होम मेन्यू बार की। होम मेन्यू बार में हम बात करेंगे क्लिप बोर्ड की। अब क्लिप बोर्ड में आप सोच रहे होंगे कि सर कॉपी पेस्ट तो हमको आता ही है, लेकिन इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि मुझे हिसाब से आपको पता नहीं होंगे। तो चलिए इसी के हिसाब से हम आपको होम मेन्यू बार के ऑप्शन स्टार्ट करते हैं और क्लिप बोर्ड में हम बात करते हैं पेस्ट स्पेशल की। तो एक छोटा सा डेटा मैं बनाता हूँ। छोटे से डेटा में क्या होता है कि आपको इफेक्ट जल्दी समझ में आता है, बड़ा डेटा में आपको बताना पड़ता है कि इफेक्ट क्या हुआ। इसलिए मैं एग्जाम्पल में छोटा डेटा लेता हूँ, उसके बाद जब मैं उसको लाइव करता हूँ तो बड़ा डेटा लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं रैन बिटवीन का फॉर्मूला ले रहा हूँ। रैन बिटवीन का फॉर्मूला क्या करता है, रैंडम नंबर निकाल के देता है जो आप नंबर देंगे उस बीच का। इसमें 10 और 90 दे दिया तो 10 और 90 के बीच की जो वैल्यू है वो वैल्यू रैंडम मुझे दे देगी। तो सैंपल डेटा बनाने में इसका काम आता है और ये हर बार चेंज भी होता है। इसमें कहीं पर डबल क्लिक कर दिया या कहीं पर टाइप कर दिया तो हर बार अपने आप को चेंज कर लेता है रैन बिटवीन का फॉर्मूला। मैं यूज बहुत करता हूं अपने सैंपल वर्क बनाने के लिए। ओके, तो हम बात करते हैं कि इसको जब कॉपी करेंगे, कॉपी करके मैं अगर इसको यहां पे पेस्ट करता हूं तो पेस्ट करने में क्या होता है, जैसा वैसा पेस्ट हो जाता है। लेकिन हमारे पास पेस्ट स्पेशल का एक ऑप्शन है जो कि हमें अलाउ करता है कि इस कॉपी गई की गई रेंज की कुछ पर्टिकुलर पार्ट को पेस्ट करना, कॉपी की गई रेंज की कुछ पर्टिकुलर पार्ट को पेस्ट करना। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट क्या क्या है, सबसे पहला हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला पे क्लिक किया और पेस्ट कर दिया। अब फॉर्मूला पे पेस्ट कर दिया तो इसमें आपका डेटा आया, इसमें फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं आया, फॉर्मूला आया। तो अब कुछ लोग पूछते हैं सर जैन फैब में तो कोई फॉर्मूला नहीं था, तब कैसे पेस्ट कर दिया। तो फॉर्मूला का मतलब होता है कि जो फॉर्मूला बार में विजुअल है, जो इसमें विजुअल है वो पेस्ट होता है। देखिए जो फॉर्मूला बार में विजुअल है वो पेस्ट होता है। अब इसलिए जब हमने कॉपी पेस्ट किया तो जो फॉर्मूला में विजुअल था वो भी आ गया, मतलब जो जैन फैब था वो भी आ गया और आपका फॉर्मूला भी आ गया। ठीक है, अब यहां पर एक फॉर्मूला और आता है, वो आता है पेस्ट एज वैल्यू। मतलब कि हमें फॉर्मूला नहीं चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला जब भी कहीं फॉर्मूला जाता है तो फिर वो अपडेट जाता है, हमेशा अपडेट होते रहता है। मुझे फॉर्मूला रिमूव करके पेस्ट करनी है तो जनरली हम लोग उसको पेस्ट एज वैल्यू कर देते हैं। तो हम एक चीज और चाहते हैं कि पेस्ट जो वैल्यू हुआ उसमें उसने सिर्फ उसकी कंटेंट को पेस्ट किया, बट मैं चाहता हूँ फॉर्मूला रिमूव करना, लेकिन मैं इसके लिए कहीं और पेस्ट नहीं करना चाहता। जैसे यहाँ जो फॉर्मूला लगा हुआ है मुझे इसी को रिमूव करना यहीं पे, मैं इसी को कॉपी करूंगा और इसी के ऊपर पेस्ट एज ए वैल्यू कर दूंगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब क्यों है, तो इसके लिए हम आपको एक रिपोर्ट बताते हैं, एक रिपोर्ट में समझाते हैं, एक रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि कैसे होता है। तो हम एक रिपोर्ट ओपन करते हैं यहाँ पे और मान लीजिए इसी रिपोर्ट को हमने ओपन कर लिया। ओके विपिन जी, आवाज आ रही है आपको? ओके चलिए,
जैसे कि ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं, अब मैंने ये रिपोर्ट बनाया है और ये रिपोर्ट एक पर्टिकुलर फाइल से लिंक है। एक मिनट में एक दूसरा रिपोर्ट ओपन करता हूँ। जैसे मान लीजिए इसी रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, ये रिपोर्ट हमारा बना हुआ और ये रिपोर्ट जुड़ा हुआ है हमारे डेटा से। प्रॉब्लम ये है कि मैं किसी को अगर मेल करना है हमें, तो ये तो अब मेरे सिस्टम पे सब कुछ सिर्फ दिख रहा है, बट मान लीजिए मैं विपिन जी को मेल करूंगा, मुझे पूरी की पूरी फाइल मेल करनी पड़ेगी, क्योंकि एक लिंक है एक पर्टिकुलर डेटा से, और मुझे वो डेटाबेस के साथ भेजना पड़ेगा। अगर डेटा साथ में नहीं भेजूं तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन मुझे सिर्फ रिपोर्ट भेजना है। रिपोर्ट भेजने का पर्पस ये है कि हमारा डेटा काफी बड़ा है तो मेल पे अटैचमेंट में दिक्कत है, दूसरी डेटा हमारा सिक्योर है तो हम डेटा नहीं भेजना चाहते। तो हम फॉर्मूला रिमूव कैसे करें, क्योंकि इस पे फॉर्मूला भी है, फॉर्मेटिंग भी है, चार्ट वार्ट बहुत सारी चीजें हैं, तो उसके लिए सबसे पहले इसको मुझे अलग करना है। तो हम सीट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, मूव और कॉपी पे जाएंगे, क्रिएट कॉपी पे जाएंगे, क्रिएट कॉपी जरूर कीजिए वरना यहीं से मूव रिमूव हो जाएगा वो। और यहां मैं न्यू बुक को सेलेक्ट कर लेता हूँ। न्यू बुक को सेलेक्ट करने से क्या हुआ कि एक नई फाइल में आएगी। अब एक नई फाइल में हमारे पास उठ के आ गई, लेकिन इसमें भी फॉर्मूला लगा हुआ है, तो मुझे फॉर्मूला रिमूव करना है, और फॉर्मूला बहुत सारे जगहों पे टुकड़े टुकड़े में लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आपको ABCD और यहाँ 1 2 3 दिख रहा है, और ये साइड में ट्रेंगल का निशान है, इस पर क्लिक करने से क्या होता है कि पूरी सीट सिलेक्ट हो जाती है। तो इस पर क्लिक करके हम पूरी की पूरी सीट को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर कॉपी, और जैसे कि बताया कि मुझे इसके ऊपर पेस्ट करना है। इसको राइट क्लिक करते हैं, पेस्ट स्पेशल, और इसी में हमारा पेस्ट एज ए वैल्यू आ जाता है। राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज ए वैल्यू। अब पेस्ट एज ए वैल्यू करने से हमारे कोई चार्ट किसी तरह का कोई फॉर्मेटिंग प्रॉब्लम नहीं हुआ। हेलो सर, क्या हुआ, क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे आप? तो यहां वैल्यू करने से सिर्फ हमारा फॉर्मूला वैल्यू में कन्वर्ट होगा। अब देखिए सारे फॉर्मेट फॉर्मूले जो भी लगे हुए थे वो रिमूव हो गए, वैल्यू में कन्वर्ट हो गए। अब मैं इसकी को इस मेल को आसानी से किसी को भेज सकता हूं, ठीक है? तो पेस्ट जो वैल्यू समझ में आ गया। अब इससे आगे कुछ पूछना सर? देखिए सिंपल सी बात है ना, समझ जाइए, सिंपल सी बात समझिए कि मुझे इस रिपोर्ट को किसी को भेजना है, लेकिन इस फाइल को हम नहीं भेज सकते। क्यों? क्योंकि फाइल में बीच में बहुत सारे और भी रिपोर्ट्स हैं और डेटा है जो कि हम किसी को नहीं देना चाहते, हमें सिर्फ इस डैशबोर्ड टू को भेजना है। तो सबसे पहले इस सीट को मुझे एक अलग सेपरेट सीट में रखना पड़ेगा, तभी तो मैं मेल में अटैच करूंगा, क्योंकि मेल तो फाइल अटैच होगी ना, कोई सीट अटैच तो होगी नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे मूव एंड कॉपी कर देंगे, क्रिएट कॉपी करके हम इसको एक नई वर्कबुक में ले आएंगे। अब एक नया फाइल जो आपको दिख रहा है, ये आपका फाइल है बुक 9 का, फाइल के अंदर ये डेटा आ गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये डेटा लिंक है एक फाइल से। अभी मुझे यहाँ दिख रहा है क्योंकि मेरा फाइल ओपन है, मेरे पास फाइल पड़ा हुआ है इस डायग्राम वाली रिपोर्ट की, बट मैं आपको मेल करूंगा तो आपके सिस्टम पे तो नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास इसकी डेटा फाइल तो होगी नहीं। तो मुझे जरूरत है सारे फॉर्मूले को रिमूव करने की, तो मैं एक एक करके रिमूव करूंगा। उससे अच्छा है कि मैं यहां पूरी की पूरी सीट को सिलेक्ट कर लूं यहां से, और फिर इस पे हम कॉपी करें और राइट क्लिक करें, पेस्ट स्पेशल, और इसमें हम वैल्यू को सिलेक्ट कर,
तो क्या होगा कि हमारी जो फॉर्मेटिंग है, हमारी जो चार्ट है, ये सब पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जितने भी फॉर्मूला है वो उसके वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगी। जैसे कि 3732 जो इसकी फॉर्मूला से आया हुआ है उसके जगह पे 3372 3762 जो मैनुअल टाइप हो जाएगा। अब इस फाइल को हम सेव करके किसी को मेल कर सकते हैं। समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़े। चलिए तो मैं फाइल को क्लोज कर देता हूं, आगे बढ़ते हैं। तो पेज साइज वैल्यू होता है। अब बात आती है कि मुझे सिर्फ इसकी फॉर्मेटिंग चाहिए, मुझे इसकी डेटा नहीं चाहिए ना, मुझे इसकी फॉर्मूला चाहिए। तो हम कॉपी करके राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में हम यहां पे फॉर्मेट को सिलेक्ट करेंगे तो फॉर्मेट आएगा। अब बात करते हैं कमेंट की। कमेंट क्या करता है? अमित जी गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग सर, लेट हो गया आपको। तो पेस्ट एज हम फॉर्मेटिंग करते हैं तो फॉर्मेटिंग आता है। अब इसमें एक चीज और आता है, वो है कि कमेंट। अब कमेंट क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि हमें किसी सेल्स से रिलेटेड कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देना है, जैसे कि सेल्स से रिलेटेड मान लो कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देना है, तो राइट क्लिक करके हम लोग करते हैं इंसर्ट कमेंट और इसमें कमेंट डाल देते हैं कि दिस इज और इसको यहां से हम एंटर मार देते हैं। एक कमेंट आ जाता है, बता देते हैं किसने कमेंट किया। कर्सर जाते ही मुझे बता देगा कि किसने कमेंट किया। अब मुझे किसी कमेंट, सिर्फ मुझे इसकी कमेंट पेस्ट करना है, इसकी वैल्यू को पेस्ट नहीं करना है, इसकी फॉर्मेटिंग को पेस्ट नहीं करना है, इसकी फॉर्मूला को पेस्ट नहीं करना है, सिर्फ इस पे कमेंट चाहिए। तो राइट क्लिक करते हैं पेस्ट स्पेशल और यहां पे हम कमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके करते हैं। तो यहां पर सिर्फ इसकी कमेंट पेस्ट हुई। उसके बाद अगर मैं इसको कॉपी करता हूं और कहीं पे पेस्ट करता हूं, मुझे इसकी सब कुछ चाहिए सिर्फ बॉर्डर नहीं चाहिए, तो पेस्ट स्पेशल में और एस्पेक्ट बॉर्डर हम करते हैं। अब एक चीज और आती है कि हम लोग अपने रिपोर्ट को क्या करते हैं कि ऑटो फिट कर देते हैं। इस पर डबल क्लिक किया, इस पर डबल क्लिक किया, इस पर डबल क्लिक किया, इसको हमने ऑटो फिट कर लिया। ओके, इसको जब कॉपी करता हूं और कॉपी करने के बाद कहीं पेस्ट करता हूं तो क्या होता है कि मेरा कॉलम का विड्थ पेस्ट नहीं होता है। अभी अभी जो आपने दो तीन रिपोर्ट पहले दिखाया देखा, उसमें क्या था कि उसमें बहुत सारे रिपोर्ट्स हमने बनाए हुए थे तो उसको हमने अरेंज किया हुआ था कॉलम की साइज, रो की साइज को कम और छोटा करके, ताकि वो एक पेज पे प्रिंट हो और एक व्यू में दिखे। ठीक है, तो उस केस में क्या था, तो अगर मान लीजिए मैं कहीं पेस्ट करता हूं तो फिर से वापस मुझे पूरी सेटिंग चेंज करनी पड़ जाएगी। तो आप क्या कीजिए, राइट क्लिक कीजिए पेस्ट स्पेशल में, यहां पर होता है कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ सिलेक्ट करने से इसकी कॉलम की विड्थ पेस्ट होती है। पर ध्यान रखिएगा कि यहां पर आपको दो बार करना पड़ेगा, पहले आपको नॉर्मल पेस्ट करना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर पेस्ट स्पेशल और पेस्ट एज ए कॉलम विड्थ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब पेस्ट एज ए कॉलम विड्थ करते हैं तो सिर्फ कॉलम की विड्थ पेस्ट होती है, डेटा पेस्ट नहीं होता है। तो आपको दो बार करना पड़ेगा। लेकिन इसका सॉल्यूशन है कि देखिए क्या होता है कि आप पेस्ट स्पेशल करते समय यहां से आप उठाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे आइकन भी है। अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन है तो देखिए ये सारे आइकन्स है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आइकन्स है। तो आइकन्स में आप देखेंगे तो यहां होता है कीप सोर्स कॉलम विड्थ। तो आपको दो बार पेस्ट करने की जरूरत नहीं हो, एक ही बार पेस्ट होगा और उसकी कॉलम विड्थ को भी पेस्ट कर देगा। तो इस आइकन से भी पेस्ट कर सकते हो, ये आइकन से आप क्लिक करते से पेस्ट आ गया, ये आपका पेस्ट फॉर्मूला है, पेस्ट फॉर्मूला है, नंबर फॉर्मेटिंग है, या आपका कीप सोर्स फॉर्मेटिंग है, या आपका नो बॉर्डर है, या आपका कीप सोर्स कॉलम विड्थ है, या आपका ट्रांसपोज है। तो ये नंबर्स है, नंबर विद फॉर्मेट है, ओनली फॉर पेस्ट।
पिक्चर दिख रहा है। सॉरी सर बेटा, तो यहाँ पे पेस्ट एज ए आइकन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरा, अब बात करते हैं कि आपके डेटा में अगर डेट हुआ, जैसे डेट हम यहां डाल देते हैं, अब डेट हमारे डेटा में एक डेट हुआ, अगर मैंने कॉपी किया और वैल्यू पेस्ट या पेस्ट एज ए फॉर्मूला किया तो उसमें ये नंबर आ जाता है। अब नंबर क्यों आता है इसके बारे में हम अभी बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम जानते हैं कि आखिर नंबर है क्या, 43831 होता क्या है, पहले इसको समझते हैं। देखिए सिस्टम में क्या होता है, जो डेट स्टोर होता है नंबर ऑफ डेज में स्टोर होता है, मतलब कि वन इट मींस वन डे कंप्यूटर कैलेंडर का पहला दिन। अगर मैं इसके ऊपर डेट का फॉर्मेट अप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा 1 जैन 1900। अगर मैं 31 दिन डालूं तो 31 जनवरी 1900। अगर मैंने आपका मान लीजिए 35 डाल दिया तो देखिए मंथ चेंज हो गया, 4 फरवरी 1900। अगर मैं डाल दिया 367 दिन डाल दिया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 जैन 1900। तो ऐसे में अगर 43831 दिन डालता हूं तो क्या हो जाता है, ये आ जाता है 1/1/2020। तो एक कंप्यूटर के अंदर जो डेट स्टोर होता है, अगर मान लीजिए मैं डेट, मान लीजिए कि मैंने डेट डाला, ये जो डेट डाला 1 अगस्त का, तो ये आपका जो डेट का फॉर्मेट थी वो देखेगा कि कंप्यूटर कैलेंडर से 8 अगस्त तक कितने नंबर ऑफ डेज हैं और उस कैलकुलेट करके उस डेज को स्टोर कर देगा, लेकिन शो करेगा डेट क्योंकि फॉर्मेटिंग का काम है डेट किस तरह शो करना। क्वेश्चन आता है कि एस प्रोग्रामर ने इसी सिस्टम की क्यों, दे सकता था। देखिए एक्सेल में क्या है, एक्सेल के अंदर क्या है, विपिन जी आपके बैकग्राउंड में शोर आ रहा था तो मैंने म्यूट कर दिया, आपको कुछ पूछना होगा तो अनम्यूट करके पूछ लीजिएगा। तो क्या है इसमें कि प्रोग्रामर ने एक्सेल के अंदर एक थ्योरी है कि आप किसी भी नंबर के साथ किसी तरह का टेक्स्ट ऐड कर देते हैं तो उसके ऊपर आप किसी भी तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अब मेरा डेट है, अब डेट में मैं इजली इसको +20 कर दूंगा तो मेरे पास 20 का डेट आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये दिख रहा है 1 जैन 20, बट इसकी एक्चुअल जो है वो आपका 43831 है, और जो 20 ऐड हुआ वो 43831 में हुआ और इसका रिजल्ट 43851 आया। जब हम डेट की फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं तो फिर वो 30 के बाद 31 दिन के बाद मंथ चेंज करता है, 365 दिन के बाद ईयर चेंज करता है और एक डेट फॉर्मेट दे देता है। तो ऐसा इसलिए किया गया ताकि हम डेट की कैलकुलेशन कर सकें। तो जब हम पेस्ट एज ए वैल्यू करते हैं तो पेस्ट एज ए वैल्यू को बोला गया है रिमूव ऑल फॉर्मेट। तो डेट एक तरह से फॉर्मेट है तो उसको रिमूव कर दे देता है और इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू इस पे अप्लाई हो जाती है और फॉर्मूला हमेशा एक्चुअल वैल्यू पे लगता है। तो आपको क्या है कि पेस्ट करने के बाद दोबारा इसके ऊपर डेट का फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा। अगर आप डेट की फॉर्मेटिंग नहीं करना चाहते हैं तो आप पेस्ट करते समय पेस्ट एज ए वैल्यू या फॉर्मूला की जगह पे फॉर्मूला एज ए नंबर फॉर्मेट एंड वैल्यू एज ए नंबर फॉर्मेट का यूज करें। ऐसा करने से क्या होगा कि जब हम इसको पेस्ट करेंगे तो बाकी कोई फॉर्मेटिंग इस पर पेस्ट नहीं होगी, जैसे कि इसकी बॉर्डर, इसकी कमेंट, इसका बाकी चीज जो होता है वो पेस्ट नहीं होगा, सिर्फ नंबर फॉर्मेटिंग पेस्ट होगा। अब नंबर फॉर्मेटिंग क्या होता है तो इस पर राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल पे जाइए, यहां पर आपको ये सारे जो फॉर्मेट है इसको नंबर फॉर्मेट कहा जाता है, ये सारे फॉर्मेटिंग आपका पेस्ट होगा तो आपको दोबारा डेट का फॉर्मेट अप्लाई करने से बच जाएगा, क्योंकि डेट का फॉर्मेट अलग अलग होता है। तो आप अगर कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो सेम डेट के फॉर्मेट के लिए फिर आपको जाके लगाना पड़ेगा। डेट में बहुत सारे लोग कोड का इस्तेमाल करते हैं, कस्टम कोड का इस्तेमाल करते हैं, तो कस्टम कोड पता करना पड़ेगा क्या है, फिर अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये समझ गए आप लोग, कोई डाउट तो नहीं आप लोगों को? अमित जी, भगवान जी, विपिन जी और एक और है जिनका मैं,
ठीक है चलिए। अब ये तो हमारा हुआ पेज के बारे में, नॉर्मल पेज के बारे में। अब अगली चीज हम जानते हैं, अब अगली चीज ये है कि मैं यहां पे मैंने 20 लिखा और यहां पे मैंने 30 लिखा। अब मैं 20 को कॉपी करके 30 के ऊपर पेस्ट करूंगा तो क्या होगा, 20 रिप्लेस बाय 30, क्या सर? लेकिन अगर मैंने पेस्ट स्पेशल के अंदर में यूज किया ऑपरेशन, ऑपरेशन में बाय डिफॉल्ट नन होता है, तो इसमें मैंने ऐड को सेलेक्ट कर लिया तो क्या होगा कि 20 और 30 के बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा और यहां पे 50 ऐड हो जाएगा। मतलब कि अगर आप दो वैल्यू को कहीं पेस्ट करते हैं, अगर आपने एक वैल्यू को सेलेक्ट कॉपी कर लिया और दूसरे वैल्यू के ऊपर अगर मैंने पेस्ट किया और पेस्ट करते समय अगर मैंने ऑपरेशन सेलेक्ट किया, अगर मैंने ऐड को सेलेक्ट किया, तो जहां से कॉपी हो रहा है और जहां पे पेस्ट हो रहा है उन दोनों के बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा, किसका? एडिशन का, क्योंकि हमने एडिशन को सेलेक्ट किया है और जो फाइनल रिजल्ट होगा वो इस पे पेस्ट हो जाएगा। अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो यहां पर सब्ट्रैक्ट मतलब 11 पेस्ट होगा, 63 और 52 माइनस करके पेस्ट कर देगा, मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई कर देगा, डिवाइड किया तो डिवाइड कर देगा, और नन करते हैं तो कुछ नहीं करेगा, जस्ट रिप्लेस कर देगा। तो इसका यूज करते हैं। अब क्वेश्चन यहां पे आता है कि इसका पर्पस क्या है, क्या बेनिफिट है इसका, हम अपने ऑफिशियल लाइफ में आखिर इसका यूज कहां करेंगे। इसके कई सारे यूज है लेकिन एक दो यूज मैं आपको बताता हूं, एक यूज बनाऊंगा, एक यूज आपको बताना है। उससे पहले हमें परसेंटेज के बारे में समझना होगा, एक्सेल में परसेंटेज कैसे परफॉर्म करता है। मतलब कि मुझे यहां पे 20% लिखना है तो 20 और फिर परसेंट का सिंबल लगा के एंटर करना पड़ेगा, तब जाके 20% आएगा। अगर मैंने 20 लिखा और इसके ऊपर परसेंटेज लगाया तो 2000% हो जाएगा। मतलब एक्सेल में जो है कि 1 = 100% होता है। मतलब कि मुझे अगर 20% बाद में परसेंटेज का सिंबल लगाना है तो 0.20 लगाना लिखना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर हम परसेंटेज का सिंबल देंगे तो 20% आएगा। इसलिए कभी परसेंटेज के कैलकुलेशन से हमें मल्टीप्लाई करना होता है, डिवाइड बाय 100 करने की जरूरत नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि 500 की मुझे 30% चाहिए तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और रिजल्ट हमारा मिल जाएगा 150। ओके तो अभी प्रॉब्लम क्या है कि मेरे एक कलीग थे, मेरे कलीग क्या करते थे कि हमें एक डेटा भेज देते थे, तो वो सिर्फ परसेंटेज का हेडिंग देते थे और डेटा को भेज देते थे नंबर। और मुझे अब इसको अपने डेटा में पेश करना होता था, अपनी रिपोर्ट में पेश करना होता था, तो वहां पे मुझे इसको परसेंटेज का सैंपल में चाहिए। अब परसेंटेज के सिंबल में प्रॉब्लम क्या होता था, प्रॉब्लम ये होता था परसेंटेज के सिंबल में कि अब जहां यहां पे 51 है तो मुझे इसको 1 by 1 जाके 50% इस तरह से करना पड़ेगा। अब इसके ऐसा हम करने चले तो काफी टाइम लगेगा। तो क्या करें इसके लिए, तो बेसिकली अगर ये 0.51 पे होगा तो मैं इजीली इस पे परसेंटेज अप्लाई कर सकता हूं,
मतलब कि सबको मुझे नंबर में कन्वर्ट करना है, मैं जी डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या किया कि एक सेल पे 100 लिया और इस 100 को कॉपी किया और पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज है, इसमें हमने डिवाइड कर दिया और फिर परसेंटेज का सिंबल लगा दिया। ठीक है सर, समझ में आया कि नहीं आपको सर? क्या देखिए, हमने आपको हमने क्या किया कि इसको कॉपी किया और पूरे सीट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया पेस्ट स्पेशल और यहां पे हमने डिवाइड कर दिया। अब 51 को 100 से डिवाइड होगा तो 0.51 होगा ना, समझ गए? रैंडम नंबर के लिए यूज होता है। जैसे मां ओटीपी आप लोगों को पता है, तो ओटीपी क्या होता है, हर बार नया देता है ना आपको रैंडमली, पैटर्न तो नहीं होता ना सर, तो ऐसे ही है। फिर रैम बिटवीन में अगर मैंने चार डिजिट का डाल दिया 111 एंड 444, हर बार आपको ये चार डिजिट का कोई नंबर दे देगा, नहीं कोई, हाँ कोई भी पैटर्न नहीं मिलेगा, कोई अच्छी पैटर्न, ठीक है। और दूसरा हमने इसको क्या किया, 100 से डिवाइड कर दिया, तो जब 100 से डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया कि अगर हम 51 को हम एक ही साल एक ही सेल पे क्लिक करके सबको करना है मुझे, तो राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करने के बाद हमने इसको पेस्ट स्पेशल और फिर यहां पे हमने कर दिया डिवाइड और सारा डिवाइड। एक एग्जांपल तो मैंने दिया आपको, अब आप जो है इसको रेफरेंस ले लेके दो तीन एग्जांपल आप खुद बनाएं, ठीक है।